नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और लाइव लगातार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना के बढ़ते हुए खतरा को देखते हुए जिला प्रशासन अब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाह रहा है। लिहाजा मैं आपको बता दूं कि यातायात से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, जो वरीय अधिकारी, सभी लोग सड़कों पर उतर गए हैं। और हम सबसे पहले आपको बताएं कि शहरवासियों को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे संरक्षित करना है, इसके लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। और हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको दिखा देते हैं पीछे तस्वीरों में कि देखिए, DSP यातायात और यहाँ के इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस के अधिकारी भी मौके या बर्दात पर पहुँच चुके हैं। और हम सबसे पहले ये बता रहे हैं कि आपको जिस तरीके से मास्क को अनिवार्य किया गया है और बाकी जो है बिना गाड़ियों के कागज के भी सड़कों पर चलना और बिना हेलमेट चलना अब नहीं है, इसके लिए भी पेनल्टी लिया जा रहा है। और सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए कि जैसे कोई भी अगर एक गाड़ी में अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना बतौर 500 रुपये के रूप में वसूला जा रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरों में, हमारे पीछे तस्वीरों में भी देख लीजिए कि सड़कों को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। और हमारे साथ वरीय अधिकारी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या है इनकी कार्ययोजना, क्या है प्लानिंग। तो सवाल अब यह है कि बिना मास्क के सड़कों पर जो लोग घर से बाहर निकलेंगे उनकी खैर नहीं होगी और उनके खिलाफ बेशक कार्रवाई होगी। तो हम सबसे पहले अपने यातायात के DSP पूनम मिंज से बात करना चाहूँगा और उनसे हम आपको ये बात दिखाते हैं कि क्या है उनकी कार्ययोजना और प्लानिंग क्या है। जी मैडम, थोड़ा आप बताएं कि जिस तरीके से जो कोरोना को हम लोगों ने कोरोना को देखते हुए जो मास्क को हम लोगों ने कंपल्सरी कर दिया है, तो फिर हम लोगों का क्या प्लानिंग है जो एक विशेष अभियान के तहत हम लोग सड़कों पर हैं? कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम लोग यहाँ पे मास्क की चेकिंग, विशेषतः मास्क की चेकिंग कर रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि मास्क पहन के सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। या जो लोग अगर मान लीजिए बिना मास्क के पकड़े जाते हैं उन पर फाइन भी करने का प्रावधान है? हाँ, उनके जुर्माना किया जा रहा है, उनको जुर्माना किया जा रहा है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह के सड़कों से लेकर के बस स्टैंड से लेकर के सार्वजनिक जगहों पर जिस तरीके से पुलिस जो है अपनी सक्रियता बढ़ाई है, हम उनसे फिर बात करते हैं। जी आप बताएं कि लगातार इसको आप फिलहाल इसको अभियान के रूप में आपने चलता रहेगा जब तक लोग पूरी तरह से इसको अपना ना लें, अपने डेली रूटीन में ना इसको अपना लें, तब तक ये चलता रहेगा। तो आपने देखा कि जब तक मास्क अनिवार्य नहीं होता है, लोग जब तक इस मास्क को कंपलसरी नहीं बना लेते हैं तब तक पुलिस प्रशासन जो है सांस नहीं लगी और अनवरत उनका इस तरह का अभियान जारी रहेगा। हमारे साथ यातायात के इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर बोलिए, क्या है आपका अभियान? मास्क चेकिंग चल रहा है बृहद पैमाने पर, ठीक है। सभी को कोरोना से बचाव के लिए मास्क का चेकिंग किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग एक घंटा यहाँ पर, एक घंटा वहाँ पर पूरे बोकारो जिला में मास्क की चेकिंग कर रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं और अन्यथा फाइन काट रहे हैं। देखिए बेशक यह कहा जा सकता है कि फाइन काटा जा रहा है तमाम गाड़ियों को, हम आपको फिर एक बार तस्वीरों में दिखा देते हैं कि जिस तरीके से जिन गाड़ियों में, देखिए गाड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से सारे लोग मास्क को अनिवार्य कर लिए हैं और लोग जो है बिना मास्क के सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं और जो लोग बिना मास्क पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होना तय माना जा रहा है और उनसे जुर्माना भी वसूले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मजिस्ट्रेट भी इस काम में हाथ बटाने लगे हैं और मजिस्ट्रेट के देखरेख में यह अभियान चल रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अभियान जो है काफ़ी जोरों पर है और पुलिस के कई वरीय अधिकारी भी सड़कों पर अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए उतर गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना अभियान तेज़ी से चलाने के बावजूद भी और जिस लोग जैसे समझ नहीं पा रहे हैं और कोरोना से जो लोग इस कोरोना रूपी खतरा से लड़ने की जो दुस्साहस करते हैं उन्हें इसकी खामियाजा बेशक भुगतना पड़ सकता है। लेकिन तो अब सवाल यह है कि प्रशासन जो है लगातार इस पर जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, बेशक हम आपको आइए फिर तस्वीरों में दिखा देते हैं कि देखिए ऐसी कोई गाड़ियां नहीं है जिनमें हम मास्क लोग नहीं पहना है। अगर बिना मास्क की कोई गाड़ियां नहीं जा सकती है और उसे हेल्डअप भी यहां किया जा रहा है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।